दिखने में लाजवाब और खाने में स्वादिष्ट सुजना फली की पीनट वाली स्वादिष्ट सब्जी। आज की रेसिपी में हम आपके लिए लेके आए हैं आसान तरीके से बनी हुई सुजना फली की पीनट वाली स्वादिष्ट सब्जी की रेसिपी। हेलो एवरीवन, मैं किमी राठौर, आज की बेस्ट रेसिपी में आपका स्वागत है। आज की रेसिपी में हम बनाएंगे बहुत कम सामान में आसान तरीके से सहजन फली की पीनट वाली स्वादिष्ट सब्जी। सहजन फली की पीनट वाली सब्जी बनाने के लिए हमने 500 ग्राम ताजी सहजन फली ली है। सहजन फली को ड्रम स्टिक भी बोलते हैं और सुजना फली भी बोलते हैं। सबसे पहले हम सुजना फली को दोनों तरफ से कट करके इसकी ऊपरी परत को छीलकर छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे। सहजन फली को हम अपने हिसाब से छोटे बड़े पीसेस में कट कर सकते हैं। इस तरह से हमने इसे 5 भागों में कट कर लिया है। इसी तरह से हम सारी सहजन फली को छीलकर कट करेंगे। इस तरह से हमने सारी सहजन फली की ऊपरी परत को छीलकर छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। सहजन फली को छीलने के बाद जो इसका एक्स्ट्रा कचरा निकला है अब हम इसको फेंक देंगे। हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को अलग अलग तरीके से सहजन फली की सब्जी की 3 से 4 रेसिपी बनाना बताई है, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे। सहजन फली की पीनट वाली सब्जी बनाने के लिए और हमने सामान ऐड किया है 2 कट किए हुए प्याज, 2 टमाटर, 2 हरी मिर्च, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा और थोड़े छिले हुए लहसुन। सुजना फली की पीनट वाली सब्जी बनाने के लिए और हमने ऐड किया है 1 कटोरी रोस्टेड पीनट पाउडर। यदि नाप के देखेंगे तो ये 4 से 5 टीस्पून के लगभग है। इस तरह से हमने सहजन फली की सब्जी बनाने की सामग्री तैयार कर ली है। जरूरत पड़ने पर बाकी सामान हम बाद में ऐड करेंगे। सबसे पहले हम प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का मिक्सर में पेस्ट बना लेंगे। मिक्सी के जार में प्याज ऐड कर देंगे, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च। अब हम इन सारी चीजों को मिक्सर में 8 से 10 सेकंड के लिए ग्राइंड कर लेंगे। इस तरह से हमने इन चारों चीजों का मिक्सर में पेस्ट बना लिया है। हमने प्याज लहसुन के पेस्ट को मिक्सी के जार से बाउल में ट्रांसफर कर लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। हमने सुजना फली की सब्जी बनाने के लिए गैस ऑन कर दिया है और गैस पर कुकर रख दिया है। अब हम कुकर में अपने हिसाब से ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल गर्म हो गया है, अब हम इसमें 2 दालचीनी के टुकड़े ऐड कर देंगे, 2 तेज पत्ते, 1 टीस्पून जीरा। अब इसमें प्याज लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। गैस की आंच मीडियम रखेंगे और प्याज लहसुन के पेस्ट को 3 से 4 मिनट तक चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। हमें मीडियम आंच पर प्याज लहसुन के पेस्ट को भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। ये सीखने के बाद हल्के गोल्डन ब्राउन रंग का हो गया है और अच्छे से सीख गया है। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर को भी हम थोड़ा सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। हमें मीडियम आंच पर टमाटर को भी फ्राई करते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। टमाटर भी थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम गैस की आंच धीमी कर देंगे और इसमें मसाले ऐड कर देंगे। अपने स्वाद अनुसार लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, अपने स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा गरम मसाला। अब हम इसमें 1/4 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर तीखी नहीं होती है, इससे सब्जी का कलर अच्छा आएगा। यदि आप लोग सहजन फली की सब्जी में काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर नहीं ऐड करना चाहते हो तो इसे स्किप भी कर सकते हो। सारे मसाले को अच्छे से मिला देंगे। अब हम इसमें रोस्टेड पीनट पाउडर ऐड कर देंगे।
पीनट पाउडर को भी अच्छे से मिला देंगे। हमने सारे मसाले को अच्छे से मिला दिया है। अब हम इसमें आधा गिलास पानी ऐड कर देंगे, अच्छे से मिला देंगे। अब हम मसाले को 4 से 5 मिनट तक धीमी आंच पर ढककर पकाएंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। पानी ऐड करने के बाद हमें मसाले को भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे देखते हैं। मसाला अच्छे से सीख गया है और इसने ऑयल भी रिलीज कर दिया है और इसकी खुशबू भी अच्छे से आ रही है। अब हम इसमें सूजना फली ऐड कर देंगे। सूजना फली को मसाले में ऐड करने से पहले हमने साफ पानी से अच्छे से फिर से वॉश कर लिया था। अच्छे से मसाले में मिला देंगे। अब हम इसमें 1 टीस्पून किचन किंग मसाला ऐड कर देंगे। किचन किंग मसाले को भी सब्जी में अच्छे से मिला देंगे। अब हम इसमें 1 गिलास पानी ऐड कर देंगे। पानी हम अपने हिसाब से थोड़ा बहुत कम ज्यादा ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिला देंगे। हमने सूजना फली को अच्छे से मिला दिया है। कुकर का ढक्कन लगा देंगे। गैस की आंच मीडियम रखेंगे और कुकर की 1 सीटी ले लेंगे। हमने सूजना फली को 1 सीटी होने तक पकने के लिए रखा था। कुकर की 1 सीटी हो गई है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। कुकर को 5 मिनट तक ठंडा होने के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। हमने गैस बंद करने के बाद कुकर को 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रखा था। कुकर की सारी एयर निकल गई है। अब हम कुकर का ढक्कन हटा देंगे। हमारी सूजना फली की सब्जी अच्छे से पक गई है। हम आपको 1 सूजना फली चेक करके दिखाते हैं। इस तरह से हल्के हाथ से दबाने पर हम चेक कर सकते हैं कि हमारी सूजना फली पकी या नहीं। सूजना फली अच्छे से पक गई है। हमारी सूजना फली की सब्जी बन गई है। अब हम इसे बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। अब हम सब्जी को धनिया पत्ती से गार्निश कर देंगे। इस तरह से मसालेदार और चटपटी सूजना फली की पीनट वाली स्वादिष्ट सब्जी बनकर तैयार है। इस तरह से सूजना फली की सब्जी बहुत कम सामान में झटपट से बन जाती है और ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगती है। इस तरह से सूजना फली की पीनट वाली सब्जी बनाकर आप लोग ज्वार मक्का की रोटी और पराठे चपाती के साथ भी खा सकते हो। तो फ्रेंड्स, कैसे लगी आप लोगों को सूजना फली की सब्जी बनाने की रेसिपी, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और यदि आप लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप भी अपने घर पर एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और हमारे तरीके से सूजना फली की पीनट वाली सब्जी बनाकर टेस्ट करिएगा। ये आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी। कल फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी में। धन्यवाद।